भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी की और नेताजी को नहीं मिला टिकट तो नेताजी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दी और अपना गुस्सा जाहिर किया। बता दें कि पृथ्वीपुर में जब भाजपा नेता अनिल पांडे की जगह अभय यादव के नाम की घोषणा हुई तो ये सुनकर नेताजी बौखला गए और सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर दिया। एक वक्त वो था जब नेताजी बीजेपी की तारीफ करते हुए नहीं थकते थे, लेकिन टिकट न मिलने से बहुत कुछ बोल गए बीजेपी पार्टी के लिए। सभी मतदाता भाइयों से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है कि अति महत्वपूर्ण विषय है, सभी लोग जुड़ते जाइए और शेयर करते जाइए। मेरी हत्या भाजपा पार्टी के नेताओं ने की है, मेरी हत्या कर हो चुकी है, मैं मरे के मुर्दा के बराबर हो चुका हूँ। आज पूरे टीकमगढ़ जिले में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। जब से हमने जीवन लिया तब से आज तक कभी पार्टी विरोधी काम नहीं किया, हमेशा पार्टी हित में काम किया, पार्टी के लिए रात दिन मरा किया। और इस विधानसभा क्षेत्र में सुनील नायक की हत्या हुई थी, अगर हमको टिकट नहीं दिया तो सुनील नायक की पत्नी अनिता नायक को टिकट मिलता, उनके देवर को टिकट मिलता। ये नहीं है कि बाहरी प्रत्याशी को आपने पृथ्वी पर में थोपा और ब्राह्मण हो चुकी है। भाजपा पार्टी को हारना चाहिए, जमानतें जब्त होना चाहिए, इनको सबक सिखा दो, इनको सबक सिखा दो। अपनी आपको फैसला भगवान की जो सुगंध है, खून की सुगंध है कि पूरे 5 सीटों पर भाजपा पार्टी का दिया बजा दो। टीकमगढ़ से सुरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।